बिल्कुल का सेंट्रम सौ चकबंदी दिवस का शुभ अवसर पर है, और हम दगड़ छी युवा किसान शैलेश पोखरियाल जी आओ दगड़ छी मतलब कंदो। शैलेश भाई सबसे पहली बहुत बहुत बधाई आपको, आप चकबंदी दिवस पर फील गुड सेंटर में हो, थोड़ा अपूर्व परिचय बतेला तो फिर हमारे जो दर्शक थे वो तो सुविधा वेली। धन्यवाद नेगी जी। पहले तो मैं आपसे चकबंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँ, और हमारा सौभाग्य है कि आज हम अपने फील गुड सेंटर में एकत्रित हुआ छूँ। मेरा नाम शैलेश पोखरियाल च, मेरा गाँव ग्यूंदाड़ च पीरोंखाल ब्लॉक में आंदा, और मैं थोड़ा पिछले 7-8 साल बटे का कृषि और इससे संबंधित नई टेक्निक नई मतलब जो तकनीक च वही दगड़ काम करना चाहूँ, जन की पॉली हाउस हो गया या पॉली हाउस दगड़ ड्रिप इरीगेशन, और वे कला जो और भी जो हमारा मतलब सब्जी उत्पादन का काम छ वे पर कुछ काम करना चाहूँ, साथ में बागवानी को भी काम करना चाहूँ दगड़ा। अच्छा, बागवानी पर अभी तक क्या सफलता मिली, और साग सब्जी मतलब अगर लोकल मार्केट तक बात करें तो अब तक अभी तक कब कब तक पहुँच पाया, मतलब अगर आप लोकल मार्केट चलाओ कि कोई बड़ी मार्केट जैसे कोरद्वार हो गया, जो आप शायद नज़दीक कोरद्वार या आप रामनगर तरफ इधर तक अभी सब्जी गाय चुकी है, मतलब क्या वो एक बार हम थोड़ा बताया कि अगर कोई युवा वक्त दिल्ली बटान जन आप 7-8 साल पहले में एक सा उगा कि उम्मीद लगा कि हाँ अभी मैं भी घर जाए कुछ कह सकूँ, तो वो एक बार हम थोड़ा बताया कि अगर युवा दिल्ली बटान चाल तो वो एक हणिया क्या सुविधा चाहिए और क्या उम्मीद छो। बड़ो अच्छा सवाल छ आपको। सबसे पहले तो मैं इन बोलना चाहूँ कि हम तो मतलब संगठित और सहयोगिता वे के काम करना चाहते। अब जाना मैं जनमाना मैं छूँ गाँव में, तो सब चीज़ मैं नहीं उगा सकूँ, तो माना कि जन जन हो गया कि मटर या गोभी या मतलब हर चीज़ मैं नहीं उगा सकूँ। ये घुणी नहीं चंद कि प्रत्येक गाँव में या गाँव का आसपास मतलब कुछ लोग इना हुई कि जो मतलब अगर मैं बंद गोभी उगाना छूँ तो हैंग मटर होगा है कुछ और चीज़ होगा, तो ये हम जन बल्क क्वांटिटी है जेल। अब मी सारे उत्पादन नहीं कर सकते, ये खुणे मी कुछ लड़कों दगड़ मेरे काम बात हुआ है अभी पिछले दिनों, तो मैं इन चाहूँ कि अपने क्षेत्र में प्रत्येक गांव में एक दो लड़का इना हुई ना कि जो अलग अलग तरह की वेजिट मतलब सब्जी उत्पादन काम करें, ताकि एक बल्क क्वांटिटी हमारे बन सके। जन की मशरूम जो ढींगरी मशरूम जो वो एक बहुत अच्छू आजकल मतलब यूज की उत्पादन होना चाह, कम समय में आपसे अच्छी इनकम मिल सकते बशर्ते कि पर आप काम कराओ। मैं एक उदाहरण दे दूँ, एक लड़का था प्रमोद बौखंडी सहंदार में, तो वे लड़का मतलब बहुत अच्छी हालांकि मिल ईदगाह हुए थे वही जगह को प्रभावित हुआ बोलो नहीं हुआ बोलो, लेकिन मेरे पास आए थे वो एक दो बारी तो मिल हुए थे मतलब यूज की एक तरह से मॉरल सपोर्ट भी दियाई, और एक तरह से वे थे काम मतलब आगे बढ़ने की कुछ प्रेरणा लगाओ या कुछ भी लगा लो, लेकिन वेल बहुत अच्छू अपर स्तर पर बहुत अच्छू काम का वेल, और मशरूम उत्पादन अच्छू काम करूँ। जब तक मार्केटिंग का सवाल छ तो मार्केटिंग का जन की मिल बॉल की अगर हम बल्क क्वांटिटी हुएली तो हम रामनगर देहरादून या दिल्ली भी भेज सकता हूँ, लेकिन बल्क क्वांटिटी अभी ईदगाह हुई नहीं सकनी, जो भी होनी चाहिए लोकल मार्केट में खपत छ। जब तक मशरूम अच्छे तो मशरूम मकिन कि अगर कोई परिवार एक बार ले दिन तो अगले दिन वे थे जरूर लेना कोशिश करो, दोबारा जरूर पूछे कि भाई हम तो मशरूम चढ़नी इन सब्जियों के बीच, क्योंकि एक तो सबसे पहले तो शुद्ध जैविक उत्पादन जो होना चाहिए ना, आजकल लोग थोड़ा बहुत समझण बैठे कि भाई जैविक उत्पादन क्या चाहिए और क्या ये था ये कब हम थे बेनिफिट चाहिए ना हमारे जीवन में, चाहे स्वास्थ्य के प्रति हो या कुछ भी और मतलब जो भी एक उपयोग चाहिए ना या जो भी क्या बोल सकते मैं कि बेनिफिट चाहिए मतलब, तो ये उम्मीद कि अगर हम संगठित होकर कुछ भी काम करो मतलब कुछ लोग जुड़ जाओ हम ये दगड़ तो एक अच्छी और बल्क क्वांटिटी हमते मिल सकते। अच्छा, दूसरों में यार थोड़ा पर्सनल सवाल छ, जब आप 7-8 साल पहले दिल्ली बटे घर हो तो घरों लोग क्या रिएक्शन छावे पर थोड़ा एक बार मतलब कि लेकिन आजकल जो युवा छी आना कोशिश करना चाहिए, लेकिन वो सबसे बड़ी यही समस्या छ कि हम घरों तो क्या जवाब दियो, तो अगर वो एक बार हम थोड़ा अपना हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर तो आने वाली पीढ़ी थे मतलब जो युवा पीढ़ी छी अगर वो हिम्मत भी कर रही तो वो तभी जवाब मिल के हाँ भाई हम लोग भी कह सकते या उदाहरण दे सकते कि शैलेश भाई भी इन काम का तो आज लग्या छी। यह बहुत बढ़िया सवाल छो आपको। सबसे पहले तो मैं इन बोलूँ छो कि मैं जो भी काम करना छो अपने पिताजी की प्रेरणा से करना छो, क्योंकि मेरे पिताजी ला सन 1988 में रिटायरमेंट के बाद गांव में बहुत बढ़िया काम करें जैसे बागवानी या पशुपालन का, तो उनसे ही प्रेरणा लेके मिला अग्नि काम शुरू कर।
मैं मतलब 2000 में दिल्ली चल गया पर पोस्ट ग्रेजुएशन कैरी करके, तो दिल्ली मिल दुई मल्टीनेशनल कंपनी में काम का ही काम भी ठीक ठाक ही जाए, एज ए ग्राफिक डिजाइनर एज अ टाइप सेटिंग इंचार्ज मिल काम का ही। लेकिन मन में कुछ छे चाहिए ये जो हमारे जो घर में मेरे पिताजी करू चो थे मैं आगे बढ़ूँ, और यो भी चाहे कि भाई दिल्ली में रह के हम दूसरा खंड देना चाहो सवेरे 7 बजे बटे कर रात 10 बजे थे, अगर वे में हम अदर टाइम भी ईमानदारी से अपन काम कराओ तो चाहे वो कम पैसा मिले लेकिन एक आदमी को स्वाभिमान हो ना, तो वो आदमी को स्वाभिमान दगड़ आदमी घर में काम कर सके। तो यो मतलब और दूसरा सवाल पूछा आपने। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा सवाल में आ रही चाहिए यूं चाहिए युवाओं तक क्या प्रेरणा मिल सके, तो आपने बताया कि अपन स्वाभिमान बचाना चक्रम यह आय का स्रोत का कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर आदिम करण चाहो तो कह सकन। बाकी दूसरा सवाल में आ रही यो कि चकबंदी से लेके आप अगर इसका साल भर लगे छो बागवानी या खेती में, चकबंदी आपका दिमाग में कब सवाल आई और वो एक विचार में आपका क्या क्या विचार छ? देखो चकबंदी के मैं तो स्पष्ट बोलूँ च कि चकबंदी हमते गांव में जो भी बांझ पुंगड़ पड़े छीन उमा फिलहाल तो कखे न कखे हम तो हमें कुछ लोगों से बात करी के जख हम तुम्हारा मतलब दो चार पुंगड़ा छीन दो चार हरों का लेके चकबंदी शुरू कर दें चाहिए। मेरा विचार तो बिल्कुल स्पष्ट है कि डोरी थकुल बजा के हम चकबंदी नहीं कर सकता, साफ सी बात, या रैली निकाल के हम चकबंदी नहीं कर सकता। मैं अपने पिताजी से प्रेरित बहुत प्रेरित छूँ, उल 88 रिटायरमेंट के बाद उल कुछ बंजर खेत जा जख हमें हमारे 3-4 खेत छाए, तो वो एक चारों तरफ लोग थे पूछ के कुछ थे हमें पैसा दिन लीज पे मतलब कह ब्याज तो नहीं जमीन, लेकिन हमारे चकबंदी करी अगर हम आप हमारे गांव में आके देख ला तो हमारे मेरे पे कम से कम नहीं बोल तो 20-20 नाली का 2 प्लॉट चकबंदी करें चीन। वही चकबंदी हम क्या करता हूँ कि हम वही खेती नहीं करता, वही हम क्या करता हूँ कि जो जन वो छिन किनगोड़ा वगैरह जो भी झाड़ी रहने ना, हाँ तो ऊँ हम मतलब हटा उगाना हटा देना है ना, वो एक जगह जो भी जन बांझ हो गया वही कला काफल हो गया वही कला भंवर हो गया एक तरह से तूंग हो गया, तो ये जो पेड़ से ना अभी उग जाना छे, तो एक तरह से मतलब एक तरह से एक तो घास जो होन पशुओं कण एक तो वो एक काम आनु, दूसरों जो पौधा मतलब जो हम मेहनत भी नहीं करें ना लगाना चाहिए वो अभी उग जाने, जेल क्या कि एक तो जो पानी का स्रोत छिन वो रिचार्ज होना जन बांझ डाल तो बांझ बहुत बढ़िया पेड़ चे पानी का संरक्षण करना खन, तो ये तरह से काम करना चाहूँ। म्यार सवाल शैलेश भाई बागवानी से लेके चाहे कि बागवानी में आप पेड़ पौधों चयन कन कह सकते हो हमारे, क्योंकि भौगोलिक क्षेत्र इन की अलग अलग जगह में अलग अलग चीज़ हो सकती, तो वह क्षेत्र में मतलब जो अब जन भाई कोई लड़का वह क्षेत्र में नहीं बागवानी में नहीं अब इंजीनियरिंग कही अगर वो बागवानी करना चाहूँ तो वह क्या सहायता हो सकता पेड़ पौधों चयन कन कह सकते वही बारे में थोड़ा बताओ। देखो हमारे पहाड़ में अपार संभावना छे बागवानी की, जिनकी हम जानते छो कि हमारे जो पहाड़ शुरू होने 1200 मीटर से हाइट पर होने, तो ये का मतलब अलग अलग तरह से हम थे मतलब वो जानकारी मिल सकत कि को पेड़ कखम लग सकते जन सेब छे ना, तो सेब हाई एल्टीट्यूड पर लगते हैं, एक सेब की कई सारी वेराइटी भी छे जो कि हमारे जो घाटी वाला क्षेत्र छे ना वह भी लग सकते हैं। एक अलावा आप देखना चाहो कि आजकल सबसे बड़ी समस्या जो जंगली जानवर खो गई ये जो हमारे फलदार वृक्ष यूं थे निरण दोनों, तो ये एक मिल ऑप्शन क्या सोचे कि मिल इन सोचे कि एक जगह में नींबू वर्गीय पौधों चयन करे जा, तो हालांकि मेरे पे दिल काफी पहले भी तकरीबन 500-100 अखरोट के पेड़ छाए हमारा जो वर्तमान में फल देना चाहिए, लेकिन आजकल क्या जी जंगली जानवर जन आप जानते हैं कि गूणी हो गए बांदर हो गया या और भी जो छे ना ये बिल्कुल निरण देना चाहिए, जब कभी हम 2 बोरी अखरोट तोड़ते चाहे आज के डेट में हम 1 अखरोट भी नहीं पा सकना चाहूँ, तो ये सभी समस्या तो देखी मिल यू सोच कि किले ना हम जो नींबू वर्गीय पौधे छे ना ऊँथे लगाओ। अभी कुछ दिन पहले ये फील गुड का सहयोग से मिथे तकरीबन 200 नींबू का पौधा मिले ना, तो 200 बड़े तकरीबन मतलब 150 पौधा मेरा भी बिल्कुल स्वस्थ अवस्था में छे ना, तो हमारे अगर नींबू वर्गीय पौधों को थे मतलब बड़े पैमाने पर लगाओ तो मतलब हम जो फलदार वृक्षों का हमारे जो योजना च वो हम सफल हो सकता हूँ। वे कला मेन बोलन चाहूँ कि जो आजकल ये लेंटाना काला खैड़ ये पोरोरियम बोल देना ये बहुत
सारी बीमारी होनी छे ना, जन की श्वास की बीमारी ये लोनी चाह वो एक जो आजकल आप गांव में देखना वाले तो गांव में एक तरह से जो मतलब जो गाय रहती ना गाय में गर्भपात की संभावना बहुत ज़्यादा हो गया। तो एक कारण यो भी चाहिए मक जो जो गोर हमारे चरण खंड जानी ना वो यूँ झाड़ियों आस पास जानी तो वैसे क्या होंगे कि यूँ गर्भ ठहरने में असुविधा होनी चाहिए। तो मिल प्रत्येक गाँव में आजकल आप भी देखना वेला तो जो हमारे गाय छे ना वो उन्हें रह जाने से वो मतलब उनको गर्भ नहीं ठहरनो। तो एक कारण यो बीच की जो यूं बड़े गैस निकलत एक गैस निकल दी एलिलियो गैस बल दी खंड। तो ये जानवरों दगड़ दगड़ ये मानव खंड भी ठीक नहीं मतलब ये नुकसानदायक चीज है। दोस्तों शैलेश भाई आप इधर 2002 लगातार आप काम करना चाहिए क्षेत्र में, अब तक क्या समस्या मतलब क्या चुनौती आप फेस हुई जरूर एक बार हम बताएला कि हम उतकन वो एक बार जो चुनौती वो उतकन के पार का आपल एक बार हम थोड़ा बताएला कि बे जो मेन मेन चुनौती देखो मैं तो बोलना चाहूँ चाहिए गाँव गाँव में जब भी बंजर खेती होनी चाहिए ना तो ये थे कैसे ऋण दे देने चाहिए तो उस जमीन को ना सरकार थे वे थे अडोप्ट कह देने चाहिए देख दे और जो इम काम करना चाहूँ जो ऊँ थे हैंड ओवर कह देने चाहिए चाहे वो लीज पे दे चाहे किसी और बेस पे दे। तो तब क्या कि एक समय जखम भी अगर सरकार थे मतलब जखम भी जमीन बंजर होनी चाहिए तो वे थे सरकार थे लेके के और जो युवा वे काम करना चाहना चाहिए ना ऊँ थे दे देने चाहिए चाहे वो लीज पे दे या कोई भी मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्री डॉक्यूमेंट जो भी वाला चाहे वो स्टाम्प पेपर पर लिखवा या चाहो तो एक जगह हम रह के एक मतलब एक चेकबंदी हो जाए तो वो हम आदिम बागवानी से लेकर सब्जी उत्पादन से लेकर या मशरूम उत्पादन से लेकर काफ़ी सारा काम कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश भाई, उम्मीद है कि हम लोग जल्द ही आपका गांव मौला और एक डॉक्यूमेंट्री बनाए कुछ कल। ठीक है मैं लास्ट में बोलना चाहूँ कि मंजिल मिले ना मिले ये अलग बात है पर हम कोशिश भी ना करें तो ये गलत बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।